बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मीट ट्यूशन। अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बीए पार्ट वन में सेक्शन सी के मैथ में आता है उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊँगी। सबसे पहले क्वेश्चन है ये 2020 का, 2x² - 7x - 4 = 0। यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक अप्रोच या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो तो आपको इसको क्वाड्रेटिक की मदद से सॉल्व करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2x² - 7x - 4 = 0। सॉल्यूशन से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1x² + bx + c = 0। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट होगा वो a होगा, और जो x के साथ कोफिशेंट होगा वो b होगा, और जो सादा नंबर होगा वो यानी कि जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। अगर मैं इस सिचुएशन के लिहाज से a, b, c की वैल्यू निकालूं तो मैं कहूँगी हेयर a इक्वल 2, b इक्वल -7। प्लस का साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको माइनस का साइन बताना है। c इक्वल -4। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x = -b + -√v² - 4ac/2a। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज डालेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। x = -b की वैल्यू है -7, +√b² की वैल्यू b की वैल्यू है -7, और स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का 4, a की वैल्यू है 2 और ये c की वैल्यू हमारे पास -4। टू और a की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर है 2। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 + -√7 को 2 टाइम करना है, 7 को 2 टाइम करना मतलब 7 × 7 = 49, और ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो 49। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32। 2 × 2 = 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम इसको, +7 + -49 में हम प्लस करेंगे 32, तो आंसर आएगा 81/4। अब +-81 का रूट होता है, यानी कि अगर हम इसका फैक्टर बनाएं तो उसका फैक्टर बनेंगे 9 × 9/4, और इस रूट में से वही वैल्यू बाहर आएगी जिसका पेयर बनेगा। तो हम यहाँ पर 7 + -9 रूट से बाहर आ गया, और ये 4। एक बार इस वैल्यू को हम पॉजिटिव में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में, 7 + 9 = 4, x = 7 - 9/4। 9 + 7 = 16, 16/4, और 7 - 9 = 2/4, -2। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x = -1/2। तो यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, 1/2, 4, और ये हमारा है आंसर।